अपनों का हिम्मत है, पब्लिक लोग सुन लीजिए, ये सो कॉल जूनियर एस्पिरेंट का, जूनियर कैंडिडेट्स का, जूनियर ऑफिसर का पिताजी, माँ पिताजी और जूनियर ऑफिसर जो निकला है, अभी भी हम सीना तो क्या बोल रहा है, 7 तारीख को जो आप लोग का धरना होगा, आप लोग वहाँ पे पूरा लिस्ट लेके आइए, पोस्टिंग प्लेस लेके आइए, उसका जितना पैसा कमाया अभी तक वो ऑफिसर लोग का, DSP का, AE का, JE का, चलो लेके आइए। और जो ऑफिसर, जो पिताजी अभी बोल रहा है मेरा बेटा ऐसे करके मिला हो, अपना कमाई का नाम को भी आप लिख के आइए, कितना बिल्डिंग है, दूध का दूध, पानी का पानी, कल को हम लोग का भी जान जाएगा, ये पेमा खंडू और ये उसके बाद में बाविंग पुलिस का और उसके बाद अफसू का टीम लुक का, ये लुक को माने वो करना है, चोरना नहीं है। आप लोग भी अफसू लुक पहले से बोल रहा है कि जूनियर कैंडिडेट था, जूनियर एक्सपीरियंस आप लोग का बीच में आता है, अभी तो 3 महीना हो गया लिस्ट ही नहीं ला रहा है। इतना ज़्यादा एग्जामिनेशन में सिर्फ 4-5 आदमी इसको ये कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, हाउ इट इज़ पॉसिबल? अभी हमें पता चल रहा है कि CBI में ऑफिस में आदमी नहीं है और ये गुवाहाटी में घूम रहा है बोलता है, एंड CBI कैनॉट रन अवे फ्रॉम हियर। ट्रेटनिंग किया जाता है CBI ऑफिसर से, हमको भी किया गया है कि आप इन्वेस्टिगेशन पे बाधा डाल रहा है। अभी आप देखिए आप ही अभी पूछा है कि जीजिंग या एक्सकाउंडिंग है, वो आप खबर कहाँ से मिला? CBI ऑफिस यहाँ है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, आई थिंक जस्ट 200 मीटर अवे फ्रॉम हियर, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ऑफिसर यहाँ आने का कोशिश किया। अभी भी आप आके देखिए, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी नहीं, एक दो ही है, वो क्या वो करेगा? और ये ऑफिसर लोग गुवाहाटी में हनीमून मनाने के लिए गया है, स्टेशन जब यहाँ पे सेटअप किया है, इसको मारने क्यों दिया गया है? कि यही ऑफिसर लोग लिख किया है कि निपो नाबम का नाम ये लेने जा रहा था, SP लोग, DSP लोग, कोई लोग यहाँ का जो एक्यूज का जिसका इनपुट दिया उसका किचन किन बैठा हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, इसका नाम भी हम लोग अप्रोप्रिएट टाइम में लेगा। इतना बड़ा बड़ा ऑफिसर होम मिनिस्टर के सामने में अफसू था, आंसू था, एक्सपीरियंस, उसमें हमको मारने का कोशिश किया, पुलिस पर्सनल यहाँ पे सेटअप नहीं किया गया, दैट मीन्स यहाँ पे ये PR सर्कुलेशन दिला रहा है कि यहाँ पे कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी जूनियर एस्पिरेंट यहाँ पे कोई भी आके पेरेंट्स इनपुट देगा उसका ये अंजाम होगा। 18 तारीख के बाद में आप धूम मचाएगा, सोचेगा वो हमसे, वो हम धरने वाला नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमको धमकी देगा, मेरा घर में धरना करेगा, आके तो देखो, बट आई एम तचीपुर, हम वो अजय मरतम नहीं है, हम वो किपा तंजंग नहीं है, वो बस्ती आदमी का जो है बात करें, वहाँ से पता चलता है कि तुम अपना मिसेज को, तुम अपना बेटी को क्या संस्कार दिया होगा, अपना बेटा को। तदक नालों का, तची पुरू का, जितना पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का पेज में कभी आप लोग बोला कि हम लोग को, हम लोग का ये शिकायत है, ये बात है, कभी हम लोग को फोन कॉन्टेक्ट किया नहीं? किया, चूहा का गुफा में आप लोग छुपा हुआ था, आप लोग अपना पेट पाल रहा था, जब अपना पेट को कटने का समय आया, अभी आ रहा है, लेकिन हम लोग का पेट को तो कट चुका ना, सीना तो के आप लोग को करता है, चलो निपो नाबम को अरेस्ट करके देखा है, सुनने में वो थाईलैंड में घूम रहा है बोला है। ये जो दो ऑफिसर, जो दो पेरेंट्स आया है, अंशु को गाली दे रहा है, ताम भी नसी है, आप लोग नहीं समझता है कि हम लोग का ऑफिसर, ये क्या तादर शाही नसी नहीं, तचीपुरु नसी नहीं, अपना चूल्हा जलने के लिए आप कम्युनिटी नाम नहीं लेना है, 92 से करो, एटलीस्ट 2014 से, तो हम लोग तो क्या, आप लोग का हिम्मत है तो 92 से लेके 2014 तक करके देखो, भी आके हमको धमकी मारता है, इसलिए हम ये अजय मरतम स्पेशली, और उसके बाद कौन था, किपा तांजंग, और उसके बाद टोपी पहन के एक पेरेंट्स आए, यहाँ पे दोंग नहीं रचाना है, हमको मत डराओ, 6 साल 6 महीना से हम बिका नहीं, ना तो बिकेगा, और ये अरुणाचल में हमको कोई खरीदने वाला नहीं सकेगा, हम वार्निंग दे रहा हूँ लोग को। आज हम लोग यहाँ पे CBI ऑफिस में आया है, एक्चुअली ये CBI जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आई थिंक आप सबको पता है, हम लोग का जो अभी APPSC जो पेपर लीकेज का जो बहुत बड़ा स्कीम है, इसमें हम लोग शुरू से CBI का हम लोग ही मांग किया था, इनफैक्ट पूरा जनता का मांग था, और CBI आया भी है, लेकिन अभी 4-5 मंथ से CBI जब से आया है, हम लोग को वहाँ से कुछ ब्रेक थ्रू कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जितना भी इनपुट दिया है और जितना भी हम लोग ने CBI को हमारा तरफ से व्हाटएवर जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, अभी तक ये पता चल रहा है कि वहाँ से कुछ भी आउटपुट नहीं हो पा रहा है, जितना अरेस्ट होना चाहिए था अभी तक हुआ नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग उसी चीज़ को पूछने के लिए आया है, हम लोग जितना पेन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी और हमारा जितना भी पेरेंट्स है, हम लोग सब मिलके एक साथ मिलके आया था कि एग्जैक्टली कहाँ तक CBI का जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसको पूछताछ करने के लिए आया है। और यहाँ पे आके हम लोग को ये पता चला है कि यहाँ पे तो ऑफिसर स्टेशन में नहीं है,
अभी हम लोग ये बोला है कि 2014 से लेके 2022 तक यहाँ पे एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली अराउंड 92 प्लस एग्जामिनेशन है। तो आप इमेजिन करो इतना ज़्यादा एग्जामिनेशन में सिर्फ 4-5 आदमी ही इसको ये कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। और जो ए ही पेपर लिखे ये 2022 का जो पेपर था उसको उसमें उसको चार्जशीट बनाने के लिए अभी तक चार्जशीट भी कंप्लीट नहीं है, उसको करने के लिए उसमें एक भी अरेस्ट भी नहीं हुआ, मोर देन 4 मंथ्स ले लिया। तो अभी इमेजिन कर सकते हैं कि 92 एग्जामिनेशन इसमें अभी सीबीआई का इसका एफिशिएंसी आप देख सकते हैं। तो हम लोग सोचा था अभी जैसे 2014 से लेकर 2022 तक का जितना एग्जामिनेशन वो ये लोग लिया है, हम लोग को ये लगा था कि सीबीआई इसमें लाइक इमीडिएट ब्रेक थ्रू लेके आएगा, क्योंकि एसआईसी से जो हम लोग का जो हमारा डिससेटिस्फैक्शन था, क्योंकि चलो एसआईसी अपना तरफ से कुछ कुछ काम तो किया है, हम लोग अप्रिशिएट भी करता है, लेकिन वो लोग भी जितना करना चाहिए उतना तक नहीं किया है। लेकिन वो लोग का इनएफिशिएंसी को देख के हम लोग को लगा है कि सीबीआई विल डू बेटर। अभी हमें पता चल रहा है कि सीबीआई में ऑफिस में एडमिन नहीं है और ये गुवाहाटी में घूम रहा है बोलता है, और यहाँ पे जितना पर्सनल से हम लोग देखा है हार्डली कितना डबल डिजिट भी नहीं होगा। तो 92 एग्जामिनेशन को कैसे करके ये करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा? तो यहाँ से पता चल रहा है कि दे आर प्लानिंग टू टेक यहाँ पे ये लाइफ लॉन्ग वेकेशन के लिए आया है जैसा लग रहा है। यहाँ पे एटलीस्ट 10-15 साल होने से भी ये केस में तो कुछ सोल्यूशन आने कंक्लूजन आने वाला नहीं है जिस हिसाब से चल रहा है। तो इसलिए अभी हम लोग का फोकस तो ये है कि जितना हम लोग गवर्नमेंट को जो भी बात करना था हम लोग किया है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो रिड्रेस करेगा बल्कि रिटर्न एश्योरेंस भी आया है, नाउ द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हैज़ टू हैपन। और अभी जितना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है आप लोग आप सबको पता है, यहाँ में जितना ये APPSC का जो पेपर लीकेज हुआ है इसका 2-3 पैरामीटर्स है, 2-3 यार्डस्टिक है, यहाँ पे रिफॉर्मेशन होना है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ये होना है। तो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस है दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे ईडी को जो रिकमेंडेशन का करने का जो बात हुआ था, आई थिंक दे हैव नॉट डन येट, और हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद इन 24 आवर्स वो लोग भी कर देगा। और जितना यहाँ पे सीबीआई का जो एक हम लोग को यहाँ पे एक मिथ है, हम लोग सब पता है कि सीबीआई इज़ दी प्रीमियर रिक्रूटिंग एजेंसी, इसलिए हम लोग का भी भरोसा है अभी भी है। लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि ये किस दिशा में जा रहे हैं, नाउ दैट इज़ क्रिएटिंग अ बहुत बड़ा एक हम लोग को क्वेश्चन मार्क करा करके रख दिया है। अभी जैसे आप लोग आप सब भी देखा है कि जो रिसेंटली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, लेट हमारा लेट तुमी गंगक सर का जो एक अनफॉर्चुनेट जो डिमाइस हुआ है, जो वी रियली वांट टू एक्सटेंड आवर यू नो हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस टू द एग्रीड फैमिली एंड टू द जो यहाँ पे जितना भी उसे जुड़ा हुआ है। और हम लोग सब एस्पिरेंट्स, हम लोग भी पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से हम लोग भी अपना जो हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस हम लोग ये करता है, वी वांट टू एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये बोलना है इसमें भी बहुत लाइक देर आर मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग को ये करना है कि जो सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पे अगर यहाँ से वहाँ पे जो भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ से पता चलता है कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से भी जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स देर आर इन्फॉर्मेशन विच आर गेटिंग लीक्ड यहाँ पे, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे ओनली द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन द स्टेट इज द सीबीआई। लेकिन सीबीआई से जो भी इंफॉर्मेशन जो बाहर निकल रहा है, जो आई डोंट नो ये किस नेक्सस का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हम लोग यहाँ में पता चल रहा है कि देर आर हाई प्रोफाइल इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। तो हम लोग का तरफ से भी हम लोग ये बोलता है कि इन अ वेरी एक टाइम फ्रेम का अंदर विद इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड ये केस में जो भी ये जो हुआ है इसका कंक्लूजन आना है। आई थिंक विद इन दिस वीक और विद इन यू नो 7 डेज के अंदर में ये इसका कंक्लूजन आना है। ये हम लोग का भी दैट इज ऑल्सो आर हम लोग भी यही डिमांड करेगा। तो इसलिए आज यहाँ पे आके इट इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग हम लोग यहाँ पे आके देखने को मिला है। और यहाँ में आने वाले समय में अभी हम सीबीआई को सवाल करते रहेंगे और SIC को हम लोग जितना प्रेशर डाला है द सेम प्रेशर विल बी जनरेटेड, हम लोग सब जो सेम प्रेशर हम लोग अभी सीबीआई को भी देगा एंड सीबीआई कैन नॉट रन अवे फ्रॉम हियर। सर हमें ये सुनने को आया है कि एक जिगिंग माइंग बोल के है जिजिंग याइंग जी तो एब्सकॉन्डिंग हुआ है बोलता है, क्या उसका अपडेट क्या है आपको पता है? अभी देखिए जो सीबीआई का जो केस है अभी हम लोग एब्सकॉन्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, आई थिंक द क्वेश्चन शुड गो टू द सीबीआई। वो लोग कैसे करके, क्योंकि प्रीमियर रिक्रूटिंग एजेंसी है,
दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी प्रीमियर रिक्रूटिंग एजेंसी. और अरुणाचल कितना ना बड़ा है, यहाँ में हर कोई एवरीबडी नोज एवरीवन. अगर सही से इन्वेस्टिगेट करेगा इससे पता चलता है कि यहाँ में पर्सनल ही नहीं है, कौन अरेस्ट करेगा, आदमी नहीं है. तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ में उसका इनएफिशिएंसी दिखाई दे रहा है. नाउ द सीबीआई हैज़ टू डू देयर वर्क. अभी वो लोग यहाँ में जितना हम लोग का अरुणाचल में सिर्फ नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया यहाँ में एक ऐसा एक साइकी बहता है, एक ऐसा सबका माइंड फ्रेम है ये है कि सीबीआई आ गया तो सब डर जाता है. लेकिन यहाँ में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सीबीआई से कुछ हो ही नहीं पा रहा है. अभी जितना अरेस्ट होना चाहिए बाय नाउ, हम लोग तो ये बोलेगा बाय नाउ अभी तक 100+ होना चाहिए था. इनफैक्ट हम लोग SIC को भी वो बात को सेम बात को बोला है. अभी सीबीआई अगर अरेस्ट नहीं करता क्यों नहीं करता, हम लोग सवाल करेगा. बाकी स्टेट में तो अरेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, मुंबई में हो रहे हैं, बाकी स्टेट में यहाँ में सेलेक्टिवली अरेस्ट हो रहे हैं. तो वाई कैन द सीबीआई अरेस्ट हियर. यहाँ पे ऐसे देखिए, जब हम लोग एस्पिरेंट यहाँ पे सीबीआई को इनपुट देने के लिए आता है, उस इनपुट को अपडेट लेने के लिए आता है, फिर हम लोग एस्पिरेंट को धमकी दिया जाता है, ट्रीटनिंग किया जाता है सीबीआई ऑफिसर से. हमको भी किया गया कि आप इन्वेस्टिगेशन पे बाधा डाल रहा है. अभी आप देखिए आप ही अभी पूछा है कि जीजिंग एक्सकॉन्डिंग है वो आप खबर कहाँ से मिला, अभी सीबीआई को पूछना है. इन्वेस्टिगेशन टीम आपका टीम से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में लीकेज हो रहा है. जिस एक्यूज को आप स्टेटमेंट ले रहा है वो स्टेटमेंट को दैट मीन्स आप लोग रिकॉर्ड नहीं किया गया. कब बुलाना चाहिए, वो रिकॉर्ड होना चाहिए, डायरी मेंटेन करना चाहिए, वो डायरी मेंटेन नहीं करा है. कोई भी जो ऑफिसर है आयो है अपना मन मर्जी से अपना जो हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशन करने से नहीं, इसमें भी SOP मेंटेन करना चाहिए. कौन सा ऑफिसर को कब बुलाएगा, कौन सा टाइम मिलाएगा, उसको किस वजह से प्रोटेक्शन दिया जाएगा, वो मेंटेन किया ही नहीं. और जितना आप लोग देख लीजिए, ये हम पहले से बोला ये हाई प्रोफाइल केस है कि नहीं. अभी जब एक ऑफिसर को कोई वो क्या है हत्या किया है, ऑब्वियसली वो चौथा वाला तू नहीं कर सकेगा. और यहाँ अब देखिए सीबीआई ऑफिस यहाँ है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, आई थिंक जस्ट 200 मीटर अवे फ्रॉम हियर. दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो ऑफिसर यहाँ आने का कोशिश किया. अभी भी आप आके देखिए यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी नहीं, एक दो ही है, वो क्या वो करेगा. और ये ऑफिसर लोग गुवाहाटी में हनीमून मनाने के लिए गया है, स्टेशन जब यहाँ पे सेटअप किया है ये क्यों नहीं. अभी हम तो बोलते हैं हम लोग अपना वैसे भी जाँच पड़ताल कर रहे हैं, जितना हम लोग इनपुट दिया था उसको अरेस्ट ही नहीं कर रहा है. जिसको अरेस्ट करना चाहते हैं नहीं कर रहा है, उसके बाद में जस्ट वो लोग मीन्स अपना जो पेपर वर्क कर रहा है बोल के बहाना कर रहा है. अभी हम लोग भी देख रहे हैं, अभी हम लोग अभी जैसे मेरा जो कलीग्स ने बोला है कि हम लोग आई थिंक 1-2% भी जिस वजह से हम लोग सीबीआई को प्रेशर दिया था अभी दिया, लेकिन अभी हम लोग देगा, अभी रुकने वाला नहीं है. बस वही है कि वी हैव ए डिफरेंट व्हाट कॉल मोडस ऑपरेंडी. हम लोग यहाँ पे इंटेलेक्चुअली डील करेगा, दूसरा स्टूडेंट यूनियन का जैसे हम लोग यहाँ पे गुंडागिरी करेगा नहीं. हम लोग अपना हिसाब से एस पर डी लो हम लोग करेगा, किस हिसाब से हम लोग करना चाहिए. एनअप टाइम सीबीआई को दिया गया है. और यही सीबीआई को हम पहले आके पूछा था, यहाँ का जो इंचार्ज है क्या नाम था, जा उसको हम बोला है अपनी पोन आबम को अभी तक 4 महीना तक क्यों अरेस्ट, वो बोलता है क्यों अरेस्ट करेगा. अभी यही ऑफिसर को आप लोग भी मीडिया लोग भी आइए, क्यों अरेस्ट नहीं करना है. कस्टोडियल इंट्रोगेशन करता ये ऑफिसर भी अभी नहीं मरना था है कि नहीं. इसको मारने क्यों दिया गया, कि यही ऑफिसर लीक किया है कि निपुण आबम का नाम ये लेने जा रहा था इसलिए इसको मार दो बोला होगा. नहीं होने से वो ऑफिसर जो तुम्ही गंकक जो ऐसे स्टेटमेंट देने जा रहा है ऐसे स्टेटमेंट दे दिया बोल के कैसे मालूम था, कोई ना कोई तो मालूम था. नहीं होने से स्थित जो मिशनरी जो मिशन APPSC जो हम लोग का जो एस्पिरेंट का जो एक साथ में था पेज चलाता था उसको ट्रैक डाउन किया गया था. उसको कौन ट्रैक डाउन किया है, ये स्टेट गवर्नमेंट को हम पूछा है. होम मिनिस्टर के साथ में 2 मीटिंग था उसमें भी पूछा है होम मिनिस्टर को मिशन APPSC को कौन कंप्लेन लिखा था ट्रैक डाउन करो, उसका जवाब नहीं था 2 मीटिंग में. CM का साथ भी हम पूछा है मिशन APPSC को कौन ट्रैक डाउन किया, जवाब नहीं था. अभी ये जो इंटेलिजेंस जो सर्विलेंस टीम में बैठा हुआ है SP लोग DSP लोग कोई लोग यहाँ का जो एक्यूज का जिसका इनपुट दिया उसका किचन किन बैठा हुआ है इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है. इसका नाम भी हम लोग अप्रोप्रिएट टाइम में लेगा. और ये ऑफिसर जो यहाँ पे अपना पावर एंड पंक्शन को दिखा रहा है, जो आप सोशल एक्टिविस्ट पाए यादी सार को आप समन कर सकता है, तो अभी तक निपुण आबम को वही ऑफिसर क्यों समन नहीं किया. इसलिए यहाँ पे होम डिपार्टमेंट में यहाँ पे घोटाला चल रहा है. जितना भी यहाँ हम होम डिपार्टमेंट को यहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहा है, जितना भी ये हत्या हुआ है बड़ा नेक्सस है. जब या तो फोन रिकॉर्डिंग को निकलो, पूरा CCTV फुटेज को निकलो, कितना ना है समय नहीं लगे, विदिन 24 आवर्स में सोल्व करना चाहिए. और यहाँ हम ये देखने में आया है, हम वो फैमिली का जो दर्द है हम समझता है, उसका पेरोगेटिव हम समझता है,
लेकिन ऑफिसर का भी हम समझ, लेकिन यहाँ भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये सुनने में आया है कि ये जो टीम बनाया है, ये जो टीम गठन किया है, ये भी 2017 का बैच का ऑफिसर डीएसपी है बोला है, जबकि उसी बैच को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये तुम्हें गंगक सार को ऐसे बुलाया था बोल के हमको सुनने में आया। दैट मीन्स हम तो ये वो करता है कि वो ऑफिसर को चेंज करना चाहिए और अच्छा एक ऑफिसर दूसरा बैच का लाना चाहिए जो क्लीन इमेज का है, ऐसे बहुत सारा है लाना चाहिए, वो नहीं ला के और आप शक पैदा कराएगा। उसी बेच के लिए आप इंट्रोडक्शन करने के लिए लाया था और उसी बेच का आप ऑफिसर करेगा और उसके बाद उसको टीम लीडर घोषित करने से ये हम लोग मानने वाला नहीं है। यस, यहाँ पे फैमिली जो डिसाइड करेगा उसको भी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बट आई एस ए चेयरमैन जो पेपर लीकेज इशू का चलते है, क्योंकि ये जिस वजह से एक वो कर रहा है और ये हम बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट को भी हम चेतावनी दे रहे हैं, आप जो यहाँ पे जो एक प्यार सा कोशिश क्रिएट करने दिया, क्योंकि सीबीआई ऑफिस आपका गवर्नमेंट का अंदर में है, प्रोटेक्शन देना आपका ड्यूटी था, है कि नहीं ना? अब दिया नहीं, अभी भी देखिए देखिए जब बंद कॉल करता है तचीपुरु तदक नालों को उतारने के लिए, जो जितना भी लड़का लोग को उतारने के लिए तो पूरा सारा डिस्ट्रिक्ट का लेके आ सकता है, तो यहाँ क्यों दैट मीन्स जो पुलिस पर्सनल यहाँ पे सेटअप नहीं किया गया? दैट मीन्स यहाँ पे ये प्यार सा कोशिश दिला रहा है कि यहाँ पे कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी जूनियर एस्पिरेंट यहाँ पे कोई भी आके पेरेंट्स इनपुट देगा उसका ये अंजाम होगा, ये शो कर रहा है ना। इससे हम लोग डरने वाला नहीं, आज से हम लोग शुरू करेगा इन्वेस्टिगेशन। हम लोग सीएम साहब को भी बोला था कि निपो नावुंग को अरेस्ट करने देना चाहिए, सीएम साहब का कहना था कि इनपुट होने से करना है, हम लोग का पास एफआईआर भी है। एफआईआर कब दिया गया? एसआईसी में एफआईआर दिया गया था, वो तो एसआईसी तो नवंबर में दिया गया था, अभी तक अरेस्ट ही नहीं किया गया। लेकिन ये नोशन देना कि हम लोग एफआईआर नहीं दिया, एफआईआर दिया गया था, इसलिए अभी जो ईडी बुलाएगा बोल के एक महीना, हम तो बोला एक महीना अभी नहीं लगना चाहिए, एक दो दिन में आपको करना चाहिए। ये गंगबुरा का जो उसका पावर को बढ़ाने के लिए, उसका पर्सनल को आप वो करने के लिए, रिवैम्प करने के लिए, वो क्या जरूरत था कैबिनेट में? एक कैबिनेट सीटिंग करना वो खर्चा होता है कि नहीं? इसको आप मोकरी नहीं करना है, कैबिनेट सीटिंग एक अच्छा मुद्दा लेके आइए। यहाँ आपका सबसे बड़ा इशू अभी वो है, नालेन बोहित को आप कमिटी में प्लेस कीजिए, करना है कि नहीं करना है कि नहीं? लेकिन आप दूसरा टीम भेजेगा, पूरा फंडिंग करेगा, ये करो वो करो, टीम लीडर को पकड़ो वो करो, ये से नहीं चलेगा। जिस वजह से करना चाहिए वो नहीं कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट भी, इसलिए हम तो बोलते हैं आज रात का अंदर में ईडी को आप बुलाइए, निपो नावुंग का जितना किचन किन को वो करें, नहीं होने से कल को हम लोग का जान का भी खतरा है। और हम यहाँ से बोल रहे हैं कि होम डिपार्टमेंट हम लोग को सिर्फ नालो और हम दोनों को, बाकी एस्पिरेंट को तो और भी बेचारा, ये भी पेज चलाता है बहन भी, अभी इसका भी, इसको भी ट्रोलिंग कर रहा है, इसको बाहर में जाता है बोलता है, अभी हम चैलेंज करते हैं इसको बाहर में जाते हो, एक नाम बता के देखो, वो आदमी पेक अकाउंट चला रहा है, वो हम वो जो क्या था पीएचक्यू का जो सर्विलेंस डिपार्टमेंट का बोलता है, इसको जो पे वो पेक अकाउंट चला के इसको जो ट्रोलिंग कर रहा है उसको निकाल के देखो, अब पैग आदि को अरेस्ट कर सकता है, समन कर सकता है विद इन वीक में। हम लोग का जो पोर प्रोन्ट में है उसको जो ट्रोलिंग कर रहा है उसको आप निकाल के देखो, वो नहीं करता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। और हम लोग यहाँ भी आप लोग को बता रहे हैं, कल को हम लोग का भी जान जाएगा ये पेमा खंडू और ये उसके बाद में बामिंग पुलिस का और उसके बाद अपसू का टीम लुक का, ये लुक को माने वो करना है, चोरना नहीं है, ये हम लोग को जो होम मिनिस्टर का एक सिटिंग में चीफ सेक्रेटरी था, वो एसआईसी का जो एसपी था, एआर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी था, इतना बड़ा बड़ा ऑफिसर होम मिनिस्टर के सामने में अपसू था अंशू था एक्सपीरियंस, उसमें हमको मारने का कोशिश किया। जब ऐसे कर सकता है तो ऑब्वियसली है तो हत्या होना ही था, है कि नहीं? कहीं ना कहीं यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पे ओलू का फोन रिकॉर्ड को ट्रैक करना चाहिए, और हम लोग को भी हम नालो हम दोनों अपना जो 25 को ये लास्ट 25 को हम लोग लिखा था कि हम लोग का प्रोटेक्शन को भी बढ़ाया जाए, अभी तक बढ़ाया नहीं। और हम डीसी सर से बोला है कि हम लोग को एक गन लाइसेंस देना चाहिए, वो भी अब बोलता है कि गन लाइसेंस बंद है। अभी पब्लिक लोग यहाँ पे देखना है, देखिए हम लोग यहाँ पे हिम्मत जुटा के छः महीना लगाए और यहाँ पे कोई लोग तोतलापंथी दिखा के 18 तारीख का बाद में आप धूम मचाएगा सोचेगा, वो हमसे वो हम डरने वाला नहीं है। हम लोग अभी भी बोल रहा है आप लोग डेमोक्रेटिक मीन्स को फॉलो कीजिए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन जहाँ पे हमको धमकी देगा, मेरा घर में धरना करेगा, आके तो देखो, हम तो वादा नहीं किया था, आप लोग वादा किया था आएगा बोल के, हम तो रुक रहा था, हम तो मत आओ भी नहीं बोलेगा, आओ भी नहीं बोलेगा, आके देखो ना उसमें क्या होता है देखिएगा। लेकिन यहाँ पे आप इंडिविजुअल टारगेट करेगा, हम लोग भी इंडिविजुअल कर सकता है,
लेकिन ये इशू इंडिविजुअल का मामला नहीं है, मैं ना तो मेरा है ना तो इसका है ना तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोगों को करना है। और अभी भी हम बोल रहे हैं वो जो ऑफिसर लोग, आप लोग वो मत सोचो कि अभी आप DSP बेता हुआ है, AE बेता हुआ है, JE बेता हुआ है, SI बेता हुआ है, लेकिन ये सिस्टम ठीक होने से एटलीस्ट आपका बेटा भी कल को उस आप DC बन सकता है, EAC बन सकता है, CO बन सकता है। लेकिन आप वो मत सोचो कि आप अभी EAC बन गया तो आपका पूरा जन्म 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 आपका बच्चा भी ऑफिसर बनेगा। हम लोग जो भी कर रहे हैं आप लोग का बेटा के लिए कर रहा है, अभी के लिए मत देखो, फ्यूचर के लिए देखो। हम लोग यहाँ पे अभी अपना के लिए नहीं देख रहा है, फ्यूचर के लिए देख रहा है कि नहीं। इसलिए जितना माँ पिताजी भी नालो हम दोनों को रिक्वेस्ट किया, पान अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी को रिक्वेस्ट किया, हम भी आप लोग का जितना भी दुख दर्द को समझता है, ये सही में हम लोग का दोस्त भी है, उसमें जूनियर एस्पिरेंट है, हम भी समझता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे मिलजुल के लड़ना है। आप भी अपना पक्ष रखिए। 6 महीना तक तो आप लोग को इन्विटेशन किया, अभी तक वो नहीं किया। चलिए अभी भी इन्वेस्टिगेशन साथ दीजिए, आइए जितना अभी देखिए अतारा तारी में कितना ग्रुप फॉर्म हुआ है, पसीघाट, आलो, कहा कैपिटल, कितना। अगर ये टीम जो अगर पहले निकलता गुपा से, अभी ये लोग निकल रहे हैं। अभी हम लोग का तो जो इनपुट है, कहीं कहीं हमको जितना एक्सपीरियंस का कहना है, ये जो पेरेंट्स लोग आया है, कोई लोग पति बन के आया है, वो लोग का भी दावत है, बोला कल को निकालने से क्या करेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट है, ताकि जरा अकेला नहीं कर सकता है कि नहीं, बहुत बड़ा नेक्सेस है, उसको निकालने दीजिए। लेकिन आप लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन को आपसू को रुक के बताता होगा कि ये हमारा मेरा पेरेंट्स है, गार्जियन है, वो नाले मोहित नहीं कराएगा होगा। देखिए यहाँ पे आप दिमाग से काम लीजिए, जितना भी मेरा दोस्त लोग को जितना है हम बोला है, हम लोग इंटेलेक्चुअल है, एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है कि नहीं, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। लेकिन सॉल्यूशन लाने के लिए इक्वली रेसिप्रोकेट करना है। आप तोंतिंग करेगा, पर्सनल लोग करेगा, वो कभी होने वाला नहीं है। और हम लोग जितना तक आज तक किया है, 6 महीना तक ना तो अभी हम लोग एक पत्थर फेंका, ना तो फेंकने दिया, ना तो आपसू को ट्रोलिंग करने दिया है कि नहीं। इसलिए अभी भी वक्त है, लेट्स वर्क टुगेदर। आप लोग भी अपना डेमोक्रेटिक मीन्स को रखिए, वी वेलकम दैट मूव। हम लोग भी अपना डेमोक्रेटिक मीन्स गवर्नमेंट पे रखा है, हम लोग को भी अप्रिशिएट कीजिए है कि नहीं। आप लोग जहाँ पे लेकुना मिलता है हम लोग को एडवाइस दीजिए, वी विल एक्सेप्ट दैट एडवाइस है कि नहीं। आप लोग को भी कुछ एडवाइस चाहिए, हम लोग भी देगा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक साथ मिलना है तो आप एक ग्रुप फॉर्म कीजिए, हम लोग अभी भी बात करने का तैयार है ना। ये दुनिया से हम लोग अभी जा रहे हैं ना, आप जा रहा है, सॉल्यूशन तो चाहिए हमको भी, ये बेचारा एक्सपीरियंस लोग को भी चाहिए। 6 महीना 1 साल हम लोग को और खींचना नहीं है। लेकिन भी यहाँ पे आप अगर गलत टेक्टिक्स का साथ में करेगा, गलत इंटेंशन का साथ में करेगा, ये एक्सपोज होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए अभी भी हम बोल रहे हैं जितना पेरेंट्स है, जितना जो जूनियर एक्सपीरियंस जो जूनियर ऑफिसर है, हम आपका दुख दर्द को समझता है, हम लोग पूरा समझता है, हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। आप लोग का एक जो हम लोग का दोस्त भी है, हम लोग बातचीत भी किया है। लेकिन यहाँ पे आप लोग का प्लेटफॉर्म से अगर ऐसे है तो ये जो सेवेज आदमी लोग है, जो 3 पेरेंट्स निकला था, वो तो उसका बेटा या उसका पत्नी कैसा ऑफिसर बनता है आप लोग देख लीजिए, जिस वे से लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, आपको लगता है उसका बेटा, उसका बेटी या उसका पत्नी ऑफिसर बनने से ये देश को, ये स्टेट को चला पाएगा। हम भी उस वे से बात कर सकते हैं, बट आई एम तचीव पुरु, हम वो अजय मारतम नहीं है, हम वो किपा ताजंग नहीं है, वो बस्ती आदमी का जो है बात करें, वहाँ से पता चलता है कि तुम अपना मिसेज को, तुम अपना बेटी को क्या संस्कार दिया होगा, अपना बेटा को पब्लिक आप देख लीजिए। लेकिन आप प्रेजेंटेशन अच्छा से रखिए है कि नहीं। हम लोग एक्सेप्ट करता है कि पा ताजंग लिख रहा था उसमें, हम लोग का घर में वो करे धरना प्रोटेस्ट करेगा बोलते हैं, पूरा वो करके उसमें दाना पानी का ऐसे नहीं होता है, गवर्नमेंट पे बात कीजिए ना। लेकिन जीरो का हम देखा, पसीघाट का देखा, वो पेरेंट्स लोग का अप्रोच बहुत अच्छा था, हम अप्रिशिएट करता है उसको, लाइक देते हुए। दापो का भी अप्रोच अच्छा था, हम अप्रिशिएट करता है, लाइक देते हुए अप्रोच अच्छा होना चाहिए है कि नहीं ना। आप ऐसे नहीं करके आप ये तचीपुरु का तदक नालों का ये है वो है पर्सनल, ऐसे नहीं है। हम जो दीमान रखा, ये जो दीमान रखा, हम लोग जितना भी दीमान रखा ओपन प्लेटफॉर्म में रखा, हम अकेला का बात नहीं है, सबका डिमांड IG पार्क में रखा, सबका डिमांड था। हम तो भी बोलते हैं, अगर पब्लिक नहीं बोलेगा हम भी नहीं बोले, एक्सपीरियंस नहीं बोले हम भी नहीं बोले, हम कौन होता है। लेकिन अभी यहाँ पे जनता तय करना है, यही सिस्टम को आगे लेके जाना है, तो वेल एंड गुड आगे लेके जाइए। नेक्स्ट बार में आप लोग का बच्चा को बोलिए मत पढ़िए, पिस्तौल खरीदिए, करोड़ कमा के रखिए, नौकरी किनिए, वो बोलिए। चौथा हम तो पहले ही बोला है, क्लास KG से चीटिंग कैसे लिखना है,
अभी से पढ़ाइए, अपना बच्चा को एटलीस्ट गलत संदेश तो मत दो, है कि नहीं? इसलिए अभी भी आप बोल रहे हैं समटाइम्स वी हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग, कुछ पाने के लिए हमको कुछ कोना है। एटलीस्ट मेरा लाइफ तो बर्बाद कर दिया ये सिस्टम ने, मेरा बच्चा का जो लाइफ है उसको हम बर्बाद करने नहीं देगा। माई फिलोसोफी इज दैट यहाँ पे कोई हम लोग पर्सनल ग्रज नहीं है, कोई जलेसी नहीं, इसलिए अभी भी हम बोल रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, जितना भी जूनियर ऑफिसर है लेट्स फाइट टुगेदर, अभी भी वक्त है, तब तुम यूपो नाबम को चलो अरेस्ट करके दिखाएगा, है कि नहीं? उसके बाद में जितना भी निपुण आबम का जो ऑफिसर है, ऑफिसर हो या एमएलए हो या मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, चलो उसको भी करके दिखेगा। आप लोग जो 7 तारीख में धरना रखा है, 7 तारीख में वो धरना क्या करेगा? चलो सीबीआई ऑफिस में हंगर स्ट्राइक करेगा, आप लोग आइए, आप वेलकम करते हैं। पॉजिटिव आप कीजिए ना, पॉजिटिव नहीं करके आप अपना स्ट्रेंथ को दिखाएगा बोलेगा, वहाँ से साफ पता चलता है कि यू हैव ए रॉन्ग इंटेंशन। कभी हम लोग को मीटिंग के लिए आप इन्विटेशन किया? अभी हम पूछता है, कभी हम लोग को मीटिंग के लिए इन्विटेशन किया? तदक नालो का, तचिव पुरु का, जितना पान अरुणाचल ज्वाइन स्टरिंग कमेटी का पेज में कभी आप लोग बोला कि हम लोग का ये शिकायत है, ये बात है? कभी हम लोग को फोन कॉन्टेक्ट किया? नहीं किया। चूहा का गुफा में आप लोग छुपा हुआ था, आप लोग अपना पेट पाल रहा था, जब अपना पेट को कटने का समय आया, अभी आ रहा है, लेकिन हम लोग का पेट को तो कट चुका ना, ये स्पेरेंट का पेट को तो कट चुका, 6 साल 7 साल 10 साल यहाँ पे कोई डिप्राइव होके बैठा हुआ है, उसका चिंता नहीं, अभी आपको डिप्राइव होने जा रहा है उनको चिंता है। चलिए आपसे गलती हुआ, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करके हमको चैलेंज करेगा, ये करेगा, वो होने वाला नहीं। अभी भी हम आप लोग को सीना तो के आप लोग को करता है, चलो निपुण आप उनको अरेस्ट करके देखा, सुनने में वो थाईलैंड में घूम रहा है बोला, सही है कि पता नहीं, है कि नहीं? जितना भी आका है चलो उसको करके देखेगा। अभी आप लोग तब तो अभी भी हम बोलते हैं आप लोग एक लिस्ट बना के लेके आओ अपना बेटा का यूनियन लिस्ट। अभी आप जो 18 में आप फॉर्म करके पूरा ऑल अरुणाचल ऑल डिस्ट्रिक्ट में आप लोग प्रोग्राम बना सकता है, चलो हम 1 सप्ताह का समय देगा, 1 सप्ताह, ये 7 तारीख को जो आप लोग का जो धरना प्रोटेस्ट होगा टेनिस कोर्ट से आकाशदीप तक, हम लोग भी ज्वाइन करेगा। आप लोग का लिस्ट लेके आओ, 997 ना कितना 977, वहाँ से एक माइनस हो गया, हम लोग भी अभी वहाँ से कैसे माइनस कर रहे हैं, आप इंक्रीज करते जाओ स्टेट गवर्नमेंट को, हम माइनस करते जाएगा। आप लोग का हिम्मत है, पब्लिक लोग सुन लीजिए, ये सो कॉल जूनियर एस्पिरेंट का, जूनियर कैंडिडेट्स का, जूनियर ऑफिसर का पिताजी, माँ पिताजी और जूनियर ऑफिसर जो निकला है, अभी भी हम सीना तो के बोल रहा है 7 तारीख को जो आप लोग का धरना होगा, आप लोग वहाँ पे पूरा लिस्ट लेके आइए, पोस्टिंग प्लेस लेके आइए, उसका जितना पैसा कमाया अभी तक वो ऑफिसर लोग का, DSP का, AE का, JE का, चलो लेके आइए। और जो ऑफिसर, जो पिताजी अभी बोल रहा है मेरा बेटा ऐसे करके मिला हो, अपना कमाई का नाम को भी आप लिख के आइए, कितना बिल्डिंग है, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता है बोले पब्लिक लोग। आप देखिए 7 तारीख में ये लोग का नकाब पूरा उतार देना पड़ेगा, ऐसे नहीं करके अगर आप लोग वो करेगा, और 13 तारीख का जो उसके बाद में सेकेंड ओलू का वो है टेक्टिक्स है बंद कॉल, ये जो अपसुलू करने जा रहा है उसको भी हम बोलता है, चलो आप लोग भी अपसुलू पहले से बोल रहा है कि जूनियर कैंडिडेट था, जूनियर एक्सपीरियंस आप लोग का बीच में आता है, अभी तो 3 महीना हो गया लिस्ट ही नहीं ला रहा है, लिस्ट ला के देखिए उसका पिताजी का नाम, अगर उसका जो ऑफिसर का पिताजी और चीफ इंजीनियर है तो चीफ इंजीनियर लिखिए, 5 महल का बंगला है उसको भी लिख के लाए कि स्कॉर्पियो है तो लिख के आइए, फॉर्चुनर है तो लेके आए। अरे यहाँ पे जो नेक्सेस है हमको पता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को तचीपुरु लीड कर रहा है, तदक नालो लीड कर रहा है, अपना सेल्फ मोटिव से में कर रहा है, ये ऐसे नहीं है। जनता लोग आप लोग सुन लीजिए, जिस वजह से आप जनता को बेवकूफ़ बनाने जा रहा है उस वजह से अभी भी हम लोग जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, अच्छा संदेश देगा, पॉजिटिव संदेश देगा। इसलिए हम बार बार स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहे हैं या दोगलापंथी मत कीजिए, आपने डिसाइड किया है कि कमीशन को आप लिखेगा, आप लिखना नहीं लिखना अभी आपका हाथ में है, यहाँ पे आप दूसरा टीम को बेच के हम लोग को चटनी पिसेगा वो कोशिश नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि डिस्कशन टेबल में आपको बुलाना है आप बुलाइए, है कि नहीं ना? इसलिए अभी भी हम जनता को बोलता है कि जितना भी माँ पिताजी है एस्पिरेंट का, जब वो सो कॉल चोर लोग का 10 पेरेंट्स आ सकता है, हम लोग आने आप भी आइए, अपना बच्चा को सपोर्ट करने के लिए आइए। अभी आप नहीं आएगा कल को नहीं बोलना है कि आपका बच्चा जो 10 बार एग्जाम देके भी नहीं मिलता है, ये आपका शर्म का बात है। और स्पेशली हम लोग का जो जितना निशी ट्राइब का अन आप लोग सुनिए, ये जो 2 ऑफिसर जो 2 पेरेंट्स आया है अंशु को गाली दे रहा है, हम भी निशी है, आप लोग नहीं समझता है कि हम लोग का ऑफिसर ये क्या तादर शाही निशी नहीं, तचीपुरु निशी नहीं,
अपना चूल्हा जलने के लिए आप कम्युनिटी नाम नहीं लेना है। यहाँ पे बहुत सारा ऑर्डिनेंसी है। अपना पेट पालने के लिए शुरू आप कम्युनलाइज नहीं करना है। अगर ऐसे करने वाला को पूरा देखना है किस बेच में आया है क्या है, और हमको भी सवाल करते हैं, हम भी अभी रेडी है, इन्वेस्टिगेशन करो ना, क्या कर पर क्या 92 से करो, एटलीस्ट तू तो इम्पोर्टेंस है, तो हम लोग तो क्या आप लोग का हिम्मत है, तो 92 से लेके 2014 तक करके देखो, एक सप्ताह में आप लोग कमेटी फॉर्म करो और इशू कमेटी बना के देखो, हिम्मत है कोई, आप करता तो नहीं है, दो गिंडे मैनेजर बनता है, वो किसी करने वाला को भी देखता नहीं, चूहा का जैसा चुपके बैठता है, अभी आके हमको धमकी मारता है। इसलिए हम ये अजय मारता हम स्पेशली, और उसके बाद कौन था किपा तान्यांग, और उसके बाद टोपी पहन के एक पेरेंट्स आए, यहाँ पे दोंग नहीं रचाना है, आप लोग का नकाब को भी हम वो करेगा, यहाँ पे ज़्यादा इंडिविजुअल टारगेट करेगा, वो हम तू भी प्रेंग हमको मत डराओ, 6 साल 6 महीना से हम बिका नहीं, ना तू बिकेगा, और ये अरुणाचल में हमको कोई खरीदने वाला नहीं सकेगा, दिल से अच्छा से बात करो, हम अच्छा से बात करेगा, हम वार्निंग दे रहा हूँ वो लोग को, तू भी प्रेंग, ये तीनों पेरेंट्स को, ऑफिसर जो आया था इनफैक्ट उसका जो प्रेजेंटेशन कुछ हद तक ठीक था, वी अप्रिशिएट दैट, और वो ऑफिसर में मेरा दोस्त था, आई नो हिज इंटीग्रिटी ऑल्सो, हम अप्रिशिएट करता है वो सबको, लेकिन टीम वर्क करके लड़ना है, लेकिन आप यहाँ पे डिवाइड करने का कोशिश करेगा वो होगा नहीं, क्योंकि वो डिवाइड पॉलिसी करने का कोशिश किया वो होने दे नहीं दिया, और अभी भी होगा नहीं, इसलिए अभी भी वक्त है, इन्वेस्टिगेशन को आप लोग बोल रहा है जोर देगा, जोर देने देना, 6 महीना तो आप लोग दिया नहीं, चलो अभी आओ, कल भी हम लोग आएगा, परसों भी आएगा, आप लोग आके देखो, 7 तारीख का बंद, हम तो बोलते हैं 7 तारीख का, बार बार बोल रहा है 7 तारीख का आप लोग का जो धरना है, लिस्ट लेके आओ, 77 था वो लोग का, लेकिन एक माइनस होके आ रहा है, आप लिस्ट लेके आओ, हम लोग भी आएगा, वो लिस्ट को तचीपुर रिसीव करने के लिए आएगा, हम बोल रहे हैं वो लिस्ट को तचीपुर रिसीव करने के लिए आएगा, तदक नॉलेज जितना भी हम लोग एक्सपेरियंस लोग भी आएगा, लेकिन उसमें हम लोग को मारपीट कोई करने का कोशिश करेगा, कोई हम लोग को जानलेवा हमला करने से ये लोग को करना है, क्योंकि ये लोग अभी हम लोग को सोसाइटी में ब्लेम दे रहा है कि हम लोग को पूछा नहीं था, नालेन बोई क्या चीज़ है, हम लोग जाना नहीं था, हाँ अभी हम लोग जानने में आ रहा है, अभी भी हम लोग बोल रहा है, आप लोग तो कभी हम लोग को इन्विटेशन किया नहीं, एटलीस्ट हम उल्टा आप लोग का पास में आएगा वो लिस्ट को लेने के लिए, या तो हम आ नहीं सकने से तदक ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जितना भी पान अरुणाचल पेज में आप भेज दीजिए, है कि नहीं, हम लोग उसमें 4 मिनट करेगा, थैंक यू।